दोस्तों यूपी में टीजीटी पीजीटी की बात की जाए तो इस समय टीजीटी पीजीटी का फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, और ऐसे में भी एग्जामिनेशन डेट की बात की जाए तो वो अभी क्लियर नहीं किया गया है। वहीं पर हम आपको बता दें कि यूपी में एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन जो है कि अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, खासकर आपका सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर बीटीसी डीएलएड और बीएड इनमें से कौन एलिजिबिलिटी रखता है यूपी एलटी ग्रेड के लिए, तो उसके बारे में ही अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अधियाचन मिल चुका है 3000 पदों का, यानी कि एलटी ग्रेड की भर्ती भी जो है वो 3000 पदों पर आ रही है। और यहाँ पर जैसे आपका टीजीटी पीजीटी चल रहा है बिल्कुल वैसे ही हम आपको बता दें, ये कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो हम आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के जो अक्सर कन्फ्यूज़न में रहता है, जैसे टीजीटी में था बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पर भी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आज हमारा यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पर बीटीसी डीएलएड वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है। ये ज़रूरी है कि आपके पास में बीएड होना चाहिए, आपका डिप्लोमा कोर्स नहीं चलेगा, ये बैचलर कोर्स है। बैचलर एजुकेशन की जब बात करते हैं बैचलर कोर्स यहाँ पर अलाउ करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। एक और हम एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं जो मैथमेटिक्स का है, मेन वेमेन दोनों को लेकर के बात करें, और इसमें भी आपका जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर भी बीएड और यहाँ पर भी साइंस, और उसमें भी बीएड आप देख पा रहे होंगे। हर एक वैकेंसी जो भी है यहाँ पे उनमें बीएड जो है वो क्वालिफिकेशन आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। ये कॉमर्स का फिजिकल एजुकेशन का आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ऐसे में इस समय जो है बीएड के लिए जो भर्तियाँ हैं, जो भर्ती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है। आप लोग तैयारी पूरी तरीके से करते रहिए। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी आपके लिए चल ही रहा है जिसमें बीटीसी डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, और यहाँ पर एलटी ग्रेड भी 3000 पदों पर आपको भर्ती जल्दी देखने को मिलेगी, इसमें भी बीटीसी डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बीटीसी डीएलएड की बात की जाए तो केवल दो वैकेंसीज उनके लिए होती हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें, और दूसरा जो आपका जो एडेड जूनियर का पेपर हुआ था एक बार आपने देखा होगा वो वाला। केवल यही दो चीज़ें हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी जितनी भी आपकी पोस्ट है उसमें बीएड एलिजिबिलिटी रखता है। कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए मेंशन कर सकते हैं। नए हैं तो महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें।